वेलकम बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे कक्षा 8 विज्ञान पाठ 6 कोशिका से अंग तंत्र तक के अभ्यास प्रश्न को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित के सही विकल्प चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए का प्रश्न है। एक कोश के जीव का उदाहरण है आ मनुष्य, हाथी, अमीबा, बरगद। सही उत्तर है सा अमीबा। ख पादप कोशिका की प्रमुख विशेषता है कोशिका भित्ति, हरित लवक, बड़ी रिक्तिका, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों पाई जाती हैं, तो हमारा आंसर होगा द उपरोक्त सभी। गा प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है हरित लवक को, माइटोकांड्रिया को, रिक्तिका को, राइबोसोम को। तो इसका सही आंसर है बा माइटोकांड्रिया को। घा ऑक्सिन है, जंतु हार्मोन, औषधि, उत्सर्जी पदार्थ, पादप हार्मोन। तो ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है। अंगा प्रश्न है, फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उपयोग किया जाता है? ऑक्सिन, एब्सिसिक अम्ल, एथिलीन, साइटोकाइन। सही उत्तर है बच्चों सा एथिलीन। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का जंतुओं में हार्मोन्स डैश द्वारा स्रावित होते हैं। तो जंतुओं में हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों। यहां में भरना अंतःस्रावी ग्रंथियों। खा है, कोशिका सजीवों की डैश एवं डैश इकाई है। यहां में क्या भरना है बच्चों? रचनात्मक और कार्यात्मक, रचनात्मक और कार्यात्मक कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। डैश ऊतक पौधों की लंबाई में वृद्धि करने में सहायक होता है। सही उत्तर है बच्चों प्रविभाजी ऊतक पौधों की लंबाई में वृद्धि करने में सहायक होता है। कई वेबसाइट्स और बुक्स में यहाँ भी गलत दिया हुआ है, उन्होंने यहाँ पे बहुत गलत गलत आंसर लिखे, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन आप सही भरे। प्रविभाजी ऊतक पौधों की लंबाई में वृद्धि करने में सहायक होता है। घा है, शरीर के बाह्य सुरक्षात्मक आवरण बनाने में डैश ऊतक सहायता करते हैं। तो शरीर के बाह्य सुरक्षात्मक आवरण बनाने में एपिथीलियम ऊतक सहायता करते हैं। यहां में भरना है एपिथीलियम। अंगा है, समान रचना एवं कार्य करने वाली कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? यहाँ पे हमें भरना है ऊतक कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, स्तंभका के कथनों को स्तंभखा के कथनों से सुमेलित कीजिए। जड़ों के शीर्ष कलिकाओं में वृद्धि। देखिए, बहुकोशिकीय जीव, संदेशों का संवहन, प्रविभाजी ऊतक या जाइलम। तो शीर्ष कलिकाओं में वृद्धि किसकी वजह से होती है? प्रविभाजी ऊतक की वजह से। मक्खी, मक्खी एक बहुकोशिकीय जीव है, तो हम इसे मिला देंगे आ से। तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक क्या करता है? संदेशों का संवहन करता है। संवहन ऊतक क्या है? तो जाइलम एक तरह का संवहन ऊतक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। हृदय की मांसपेशियां निरंतर कार्य करती रहती हैं, ये कथन बच्चों बिल्कुल सही है। फ्लोयम ऊतक जंतुओं में पाया जाता है, गलत है बच्चों, फ्लोयम ऊतक पौधों में पाया जाता है। अमीबा बहुकोशिकीय जीव है, ये भी गलत है क्योंकि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। सजीव कोशिका से बने हैं, ये बिल्कुल सही है। सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये गलत है क्योंकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पांचवा प्रश्न है, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? उत्तर, कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं।
छठा प्रश्न है, प्रविभाजी ऊतक की दो विशेषताएं बताइए, ये कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर, प्रविभाजी ऊतक की विशेषताएं, यह निरंतर विभाजित होती हैं, इनमें कोशिकाएं अस्थायी होती हैं, यह पौधों में वृद्धि के कुछ निश्चित क्षेत्रों में जैसे जड़ और तने की कलिकाओं के शीर्ष भाग में पाई जाती है। सातवां प्रश्न है, किन्हीं दो अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके कार्य लिखिए। उत्तर, पहला पीयूष ग्रंथि, यह वृद्धि हार्मोन को स्रावित करती है, कार्य शरीर की वृद्धि करता है, इसकी कमी से बच्चों में वृद्धि रुक जाती है। दूसरा, अग्नाशय ग्रंथि, यह इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करती है, कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। आठवां प्रश्न है, पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। उत्तर, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका, जंतु कोशिका। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, हरित लवक पाए जाते हैं, सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं, रिक्तिका बड़ी तथा संख्या में एक होती है, केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, हरित लवक नहीं पाए जाते हैं, सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं, रिक्तिकाएँ छोटी तथा संख्या में अधिक होती हैं। अधिकांश जंतुओं में केंद्रक मध्य में होता है। नौवां प्रश्न है, केवल चित्रों के माध्यम से रेखित तथा अरेखित पेशी ऊतक में अंतर स्पष्ट कीजिए। रेखित पेशी ऊतक, अरेखित पेशी ऊतक। चित्र को ध्यान से देखिए। रेखित पेशी ऊतक में दीर्घ बेलनाकार तथा अशाखित कोशिकाएं हैं, बहुकेंद्रकीय हैं, ऐच्छिक संकुचन होता है, जल्द थकान महसूस होती है। जबकि अरेखित पेशी ऊतक में छोटी तुरकाकार तथा नुकीले सिरे की कोशिकाएं होती हैं, एक केंद्र की होती हैं, अनैच्छिक थकान का अनुभव नहीं होता है। दसवां प्रश्न है, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। उत्तर में देखिए, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बना है, इसमें बाहर की ओर कोशिका भित्ति है, उसके अंदर कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य भरा है, बड़ी सी रिक्तिका है जिसके अंदर जल भरा है, हरित लवक हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, अंतरापरद्विजालिका व राइबोसोम उपस्थित हैं।